राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दौर में पीएम मोदी आज डूंगरपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने रैली में कहा कि अब राजस्थान में कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी, राजस्थान में गहलोत की सरकार नहीं आएगी, घोटाला करने वाली चुन चुन कर साफ होंगे, लाल डायरी में कांग्रेस के काले सच हैं, राजस्थान में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में राजस्थान कांग्रेस को सुपड़ा साफ होना तय है, इस बार राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। मोदी ने कहा कि राजस्थान में कौन कौन से एक ही आवाज़ आ रही है, गहलोत जी को नहीं मिले वोट जी, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है, कांग्रेस ने नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसी कारोबार है कि उनके बच्चों तो अफसर बन गए और अपने बच्चे चुन चुन कर बाहर कर दिए गए, इसलिए ऐसे लोगों को राजस्थान की धरती से चुन चुन कर साफ करना है। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि काले कारनामों की लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं उसमें कांग्रेस सरकार की काली सच्चाई है, लोकतंत्र ने आपको कुशासन वाली इस कांग्रेस सरकार को बदलने का मौका दिया है, इस मौके को जाने नहीं देना है। आज मैं मावजी महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूँ, इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में यह विचार आया है और मैं मावजी महाराज से क्षमा मांग कर यह हिम्मत कर रहा हूँ, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। जिस धरती को सटीक भविष्यवाणी के लिए मावजी महाराज की आशीर्वाद मिला है वहाँ से साफ साफ दिख रहा है भाजपा आ रही है, ये वो मिट्टी है जिसने ऐसे वीर पैदा किए हैं जिन वीरों ने महाराणा प्रताप की कृति बढ़ाने में अपने खून पसीने का योगदान दिया था। मैं कालीबाई के बलिदान को मानगढ़ धाम के बलिदान देने वाले गोविंद गुरु की अनुयायी को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ।